नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल एमबी स्पीक्स पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देश में कुर्बान होने वाले जो शहीद होते हैं वही इतिहास रचते हैं। और ऐसे ही एक कहानी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं, पायलट अभिनव चौधरी की। पंजाब के मोगा में कल देर रात भारतीय वायुसेना का एक MiG-21 लड़ाकू विमान क्रैश हो गया था। इसमें पायलट अभिनव चौधरी शहीद हो गए और दिल को बड़ी कचोटने वाली सी बात लगती है कि 17 महीने पहले ही उनकी शादी हुई थी। उस समय उनकी शादी इस वजह से चर्चा में रही थी क्योंकि उन्होंने दहेज में एक भी पैसा नहीं लिया था और सारा सामान जो है उन्होंने, जो भी उनको पैसे वगैरह दिए जा रहे थे, उन्होंने उसको सम्मान लौटा करके शगुन में सिर्फ 1 रुपया लिया था। और किसी को क्या मालूम था कि अभी इस अभिनव चौधरी ने और नाम कमाना है, देश के लिए नाम कमाना है, और वो देश के लिए शहीद हो गए। अभिनव ये मानते थे कि शादी में दहेज की कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए, ये अभिनव कहते हैं। और दूसरी तरफ जब शादी होती है तो अपने स्टेटस को बहुत बड़ा दिखाने के लिए न जाने क्या क्या दहेज दिया जाता है, और देने वाले देते हैं और लेने वाले लिए जा रहे हैं। लेकिन अभिनव मानते थे कि शादी में दहेज की कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए। दो परिवारों में दहेज का कोई मतलब नहीं होता, दो परिवारों में केवल प्यार होता है और दहेज पे पूरी तरह से रोक लगनी चाहिए। मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के बड़ौत बुढ़ाना रोड पर पुसार गांव होता है एक, वहां के रहने वाले हैं अभिनव चौधरी। वहां से उनका परिवार बिलोंग करता है उस जगह को, पुसार गांव को, और इस समय वो मेरठ के गंगा सागर कॉलोनी में रहते हैं। उनके पिता सत्येंद्र चौधरी किसान हैं और आज ही तड़के उनको फोन पे ये सूचना मिलती है कि उनका बेटा इस विमान क्रैश में शहीद हो गया है। 25 दिसंबर 2019 को अभिनव की शादी मेरठ में ही हुई थी। उनकी पत्नी सोनिका उज्जवल ने फ्रांस में मास्टर ऑफ साइंस से पढ़ाई की है। और अभिनव चौधरी इन दिनों पठानकोट एयरबेस में तैनात थे। उन्होंने IIMC देहरादून में 12वीं की परीक्षा पास की थी। इसके बाद उनका सिलेक्शन NDA में हो गया था। पुणे में 3 साल की ट्रेनिंग के बाद वो AFA में उन्होंने अपनी ट्रेनिंग पूरी की। अभिनव की माँ सत्या चौधरी जो है वो हाउसवाइफ हैं, जबकि उनकी छोटी बहन मुद्रिका चौधरी जो है वो अभी पढ़ाई कर रही हैं। हादसे, ये जो हादसा होता है ये मोगा के करीब 25 किलोमीटर दूर जगह है बागा पुराना, वहाँ के लंगियाना खुर्द के पास ये घटना होती है। विमान के गिरते ही उसमें आग लग गई और वहाँ के जो SP हैं गुरदीप सिंह, उनके अनुसार एक ट्रेनिंग सेशन के दौरान पायलट अभिनव चौधरी ने MiG-21 से राजस्थान के सूरतगढ़ के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन ये मोगा में ही क्रैश हो गया। 4 घंटे की मशक्कत के बाद पायलट अभिनव चौधरी की जो बॉडी होती है उसको खेत से खेत में उनकी बॉडी मिलती है। और अभिनव को विमान के क्रैश होने का अंदाज हो गया था, इसलिए वह उड़ते हुए विमान से कूद गए थे, लेकिन पैराशूट नहीं खुला जिसके कारण नीचे गिरते समय उनकी गर्दन टूट गई और वहीं पे उनकी डेथ हो जाती है। और एक पायलट जो है देश के लिए शहीद हो जाता है। तो दोस्तों, अभी मैंने इससे पहले एक और खबर आपके साथ शेयर की थी कि किस तरीके से नकली ऑक्सीजन फ्लो मीटर जो है सप्लाई किए जा रहे हैं, पुलिस ने उनको पकड़ा है। और इधर देखिए, वो भी एक जवान है और ये अभिनव भी एक जवान है, इन दोनों में कोई मुकाबला नहीं है। अभिनव ने अपने देश के लिए जान दे दी है और देखिए वो लोग जो है देश के लोगों की जान ले रहे हैं। अभिनव की स्टोरी आपके साथ शेयर करने का मेरा मकसद यही था कि देश देश पे जो लोग कुर्बान होते हैं उनको इतिहास याद रखता है। और पायलट अभिनव चौधरी ऐसे ही इतिहास रच के गए हैं, उन्हें सदियों तक लोग याद करेंगे। मेरा उनको बड़ा वाला सलाम, बड़ा वाला सैल्यूट। जय हिंद, जय भारत।